आज का हमारा टॉपिक है वेरिएंस ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। उस पर हम प्रॉब्लम लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर एक रैंडम वेरिएबल एक्स होता है हमारे पास, जिस जो आउटकम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिपेंडेंट ट्रायल की, क्या कर रहा होता है डिपेंडेंट ट्रायल की, तो हम लोग कहते हैं कि वो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसमें हमारी उसकी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स जो है वो क्या है, वो हम कहते हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो किस फॉर्म का है, के सी एक्स कैपिटल एन माइनस के सी स्मॉल एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन सी एन। तो वो क्या है, वो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसा रैंडम वेरिएबल x हो कि जो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो, तो हम उसका वेरिएंस जो है वो किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक प्रॉब्लम लेंगे। तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो हम ले रहे हैं, वो क्या है, कंप्यूट वेरिएंस फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ वाइट हेड्स वाइट बीट्स वेयर फाइव बीट्स ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम अ बाउल कंटेनिंग फोर वाइट एंड सेवन ब्लैक बीट्स। यानी हमें कहा गया है कि हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बन रही होगी वाइट बीट्स के लिए, ठीक है, जो है उसके लिए अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है जो कि नंबर ऑफ वाइट बीट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने क्या करना है, जबकि हमारे पास क्या है फाइव बीट्स जो है ड्रॉन हो रही हैं रेंडमली फ्रॉम अ बाउल जिसमें हमारे पास फोर वाइट और सेवन ब्लैक बीट्स हैं, हमें वेरिएंस को कंप्यूट करना है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर क्या केस बन रहा है, यहां पे हाइपर ज्योमेट्रिक का हमारे पास केस बन रहा है कि यानी जो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस फॉर्म की है, वो हाइपर ज्योमेट्रिक फॉर्म की है। किस तरीके से कि हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास वाइट बीट्स हैं, यानी गिवन क्या है, अगर हम लिखें कि एक बाउल में हमारे पास ब्लैक हैं बीट्स हैं जो कि सेवन हैं और एक में हमारे पास वाइट बीट्स हैं जो कि कितनी है हमारे पास फोर हैं। तो टोटल हमारे पास अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इलेवन बीट्स हैं और हमारे पास नंबर ऑफ वाइट बीट्स पर हमें देखना है, नंबर ऑफ वाइट बीट्स क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वाइट बीट्स जो है ये हमारे पास हमारा हम कहते हैं के जो है सिक्स एक्स बन रहा है हमारे पास वाइट बीट्स। और लेकिन अगर हम एक बीट को निकाल लेते हैं, वाइट बीट को निकाल लेंगे एक को, तो वो क्या है, वो हमारी फर्स्ट सिक्स एक्स बन जाएगी। तो रिमेनिंग जो थ्री वाइट हमारे पास रह जाएंगी फॉर सेकेंड ट्रायल के लिए, तो हमारे पास क्या है नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या केस बनता है, ये हमारे पास डिपेंडेंट का केस बन रहा है। क्या है, डिपेंडेंट है, हमारे पास हर ट्रायल पे जो नंबर ऑफ वाइट बीट्स हैं वो रिड्यूस होती चली जाएंगी। और हमारे पास स्मॉल एक्स क्या है, वो हमारे पास जीरो वन टू थ्री फोर है, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ वाइट बीट्स की यहाँ पर बात करें। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। तो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास वेरिएबल एक्स गिवन है, हम कहेंगे कि वो क्या कर रहा था, वो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा था विथ पैरामीटर्स कैपिटल एन स्मॉल एन और हमारे पास के है, उसके साथ इसको फॉलो कर रहा था। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लिखते हैं और हम इसका वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा हो कोई रेंडम वेरिएबल, तो उसका वेरियंस हमारे पास क्या होता है, उसको भी हम लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखते हैं, हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि हमने देखा कि एक्स जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को वो फॉलो करेगा, जबकि पैरामीटर्स क्या हैं कैपिटल एन स्मॉल एन और के। और हमारे पास कैपिटल एन की वैल्यू जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके मुताबिक 11 है, स्मॉल एन 5 है, जो हम लोग रेंडम नंबर्स निकाल रहे हैं नंबर ऑफ वाइट हेड्स जो हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है वेयर फाइव बीट्स ड्रॉन एट रेंडम। और हमारे पास के क्या है फोर है, जो कि हमारे पास क्या है फोर वाइट, जो हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेसेस हम किसको ले रहे हैं वाइट को ले रहे थे, तो के फोर बना। तो उसके मुताबिक हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है। हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में, इसको प्रूफ किया है कि अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता हो तो उसका वेरियंस हम लोग इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, इसके बराबर होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे वेरियंस निकालने के लिए, हम लोग इसके अंदर जो है जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है कैपिटल एन स्मॉल एन और के की, उसको पुट कर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो वैल्यूज को पुट कर लिख लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं,
हमने यहाँ पर वैल्यूज को सिंपली पुट कर कर अपने पास लिख लिया है. अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे. हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इंटू 4 को, जो कि हमारे पास क्या बनता है 20. इधर 11 माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास 7 आ जाएगा. और 11 माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा. और यहाँ डिनोमिनेटर में जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 माइनस 1 तो 10 आ जाएगा. तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं. हमने यहाँ पर सिंपलीफाई कर कर लिख लिया है, आप इसको देख सकते हैं. अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन टर्म्स को जो हमारे पास तीन है मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होगा. तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसे आप कैलकुलेटर से कर कर देख सकते हैं हमने किया हुआ है. तो इसको हम लिखते हैं, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा. इसे आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से. इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6942. तो ये क्या है, ये हमारे पास वेरिएंस आ गया. तो आज का हमारा टॉपिक था वेरिएंस ऑफ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. हमने देखा कि अगर कोई रेंडम वेरिएबल एक्स हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो तो हम उसका वेरिएंस किस तरीके से मालूम कर सकते हैं.